घर के चावल मतलब ना ये धान होता है, घर में जो धान होते हैं हमारे वो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके। यार किस किस के वहाँ रहे हैं ऐसे लोग की ना कमेंट जरूर करना। सभी मित्रों को नमस्कार। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं दीप पाठक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यार अभी शाम का समय है और मैं घर की ओर को जा रहा हूँ। टाइम लगभग 6 बजे हैं और मौसम की अगर बात करें ना तो मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है। देखो बादल नहीं है, घने घने बादल। थोड़ी देर पहले तो बारिश हो रही थी बेलनाक साइड को, अभी रुकी तो फिर मैं वहाँ से निकला और अभी इस साइड को भी काले घने बादल हो रखे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश आने को है, हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। और ये जो रूट है इस पे आगे मेरा गांव पड़ता है, पाखू वाली लाइन है। और अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सा व्यू आता है। यहाँ से देखो कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है सामने का ना। और इस साइड को ऊपर साइड को देखोगे ना पूरा हरा भरा हो रखा है। देखो हरियाली कितनी प्यारी लग रही है ना, ये पूरी घास ही घास है। और वो जो सामने दिख रहा है ना ये है हमारा गाँव संगौड़। ये पूरा पूरा नीचे से है, नीचे से यहाँ से फैला है ऊपर तक का वो। और ये सामने पेड़ लग जा रहे हैं तो ये ढक गया है यहाँ से, ये पूरा का पूरा फैला है मतलब। और जो हमारे गांव में जो घर है ना वो काफ़ी दूर दूर है, मतलब ज़्यादा पास पास है नहीं, कोई नीचे है तो कोई ऊपर है। तो इस वजह से पूरा गाँव फैला है ऊपर से नीचे तक का। इस साइड को पूरा घना जंगल है, फिर ये इधर साइड पूरे बांस के पेड़ हैं। और बांस है और दूसरा उतीस होता है, तो ये सामने उतीस का ही पेड़ है। और ऊपर साइड को ये पूरी घास लगी है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से देखो। तो फिर चलते हैं घर के, मैं काफ़ी नज़दीक पहुँचा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर दूर आगे हमारा घर पड़ता है अब। तो यार मैं पहुँचने वाला हूँ अभी घर पे। और आज मेरे घर आने का कारण ना कब्बू का बर्थडे है। और कब्बू कह रही थी कि घर आना, मैंने बोला था उससे घर नहीं आ रहा हूँ घर के, और उसको सरप्राइज देना है अभी। तो देखते हैं क्या रहता है आगे बर्थडे का प्रोग्राम कब्बू का। इधर है लौकी के बेल वगैरह लगे हैं, लौकी कद्दू। तो ये है बर्थडे गर्ल, इसको पता ही नहीं था मैं घर आ रहा हूँ अभी करके। सरप्राइज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा आज तो बर्थडे है फिर। क्या कहिए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और वहां से कर लोगो मेरे को देखा ना, आंखें कैसी दिख रही है इसकी। ये देखो भाई साहब, दोनों के दोनों आ गए यहाँ खाने के लिए। खद्दू कटोरा लेके आती है। क्या लाया मैं आज? मोमो। आहा टाइट मोमो, जा डाल के आ, कटोरा भी लेके आ। ये है मोमो और उसमें चटनी। खाओ भाई खाओ खाओ। तू भी खा। मैं नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? मैं खा गया है, जल्दी खा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कल्लू भी आ गए, आंखें चमकाते हुए। कुत्ता आ गया, प्लेट भी लाना, फोटो भी खींचना। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? हैं क्या कर रहा है? मैं फोन ला दिया। क्या कर रहा है? चल बाहर चल, बाहर जा, जा बाहर जा, अब मिल गया ना। तो यार मैं तो पहुंच गया अभी घर पे और मम्मी का चल रहा है यहाँ पे। इसने ना कुकर में रखे हैं पांगर, पांगर पकाए जा रहे हैं आज ये। मतलब हमारे तो है नहीं, किसी ने दिए थे। तो इसमें इसके जो छिलके होते हैं ना उनको निकालने के लिए, पकाने के बाद ही पूरे निकल जाते हैं। और ये इसमें पन्नी में थोड़े से और रखे हैं, ये कहीं से लाए थे। बोले किसने दिए थे? ऊपर कोई है, लच्छिता है ना, लच्छिता ने दिए थे बोले। ये है भाई, कितने अच्छे अच्छे हो रहे ना। इसमें मेरे आने तक मतलब इनने रखे हैं कुकर पे पकाने के लिए, ताकि छिकल वगैरह निकल जाए इसके। ऐसे निकालने में तो बड़ी दिक्कत होती है, इसको निकलती ही नहीं है। छिलती है, छिल तो ज़रा कैसा होता है, छिले नहीं जाते ऐसे करके। लेकिन पकाई वाले बेकार होते हैं यार, क्यों होते हैं ये नहीं हो रहे, अच्छे हो रहे हैं। नहीं एक बार पका के खा दिया हमने। कितने दिए थे? दिए थे थोड़े थोड़े। अच्छा मतलब तो बीच के लिए दे रखे हैं इन लोगों ने, एक बार पका के खा भी दिए हैं, अब दोबारा आज और पक रहे हैं। इसको बीज, इसको बीज के लिए रख दिए, बीज बनाएंगे इसका। तो बीज वाले अलग हुए, बीज वाले अलग। अच्छा तो बीज वाले और खाने वाले अलग अलग होते हैं। ये वाले ये थोड़ा टाइट टाइट जैसे हो रखे ना, अच्छे हो रखे मतलब मैच्योर जिसको कहेंगे हम, अच्छे से इसमें लगने वाले। और वो कच्चे कच्चे जैसे थे तो खाने के लिए। ये कब्बू ने छील दिया इसको, ये छिकल निकाल दिया बाहर का। अब इसमें ये थोड़ा सा ये होता है ना, ये वाला खाने में बड़ा गंदा होता है, ये कड़वा 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 जैसा होता है।
तो इसको निकाल रही अभी बाहर का, साफ कर रही है, पूरा साफ हो जाएगा ये। फिर उसके बाद खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं यार, मजे आते हैं पांगर खाने में तो। वाह, छीलने के बाद ना ये ऐसा दिखता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है यार ये। वाह, लाइट भी गई है ना तो अंधेरा भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो यार, ये ऐसे वाले सही होते हैं, दुधैन दुधैन कहते हैं इसको, दुधैन दुधैन हो रहा है। और कब्बू क्या खिला रही फिर आज? आज पार्टी में, बर्थडे की पार्टी में मटर पनीर, खीर। मटर पनीर हाँ, खीर खीर पूरी हमने सुबह खा ली। अभी क्या कर रही है? टमाटर काट रही है। अच्छा तो आज सारा पकाना होगा ना इसी ने, मतलब बर्थडे का दे इसी ने खिलाना है सबको। अच्छा सुना रही हूँ, करना चाहिए था फिर ये तो बैठी है। मैं भी तो मेहमान हूँ एक दिन की। मेहमान दीपा को निपटूं रहा नहीं, एक दिन आना तब मेहमान होते हैं, फिर एक जाने से एक दिन पहले मेहमान होते हैं। मेहमान नहीं होता है, कल थोड़ी जा रही है। अब दीपा का निपटूं रहा ने। ये देखो यार, घर में ना हमारी लौकी लगी है, इतनी बड़ी हो रही है, आधी खा ली इन लोगों ने काट के यहाँ से। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बड़ी हो गई है। तो यार किस किस के वहाँ आ रहे हैं ऐसी लौकी ना, कमेंट ज़रूर करना कितनी बड़ी हुई है। अभी नीचे खेतों भी लगे हैं, बल पता नहीं कितने लगे हैं, अभी जब जाऊँगा तो फिर दिखाऊँगा आपको। ककड़ी भी लग गई, इसमें पक रही खीर अभी कढ़ाई में, कढ़ाई है घी वाली है। ये देखो यार कितना अच्छा होता है, मतलब घी में खीर बन रही है आज। तो यार ये हैं घर के चावल, घर के चावल मतलब ना ये धान होता है, घर में जो धान होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके नेम होते हैं अलग अलग। तो ये कौन से वाले हैं मम्मी? थापचीनी। तो एक प्रकार का जो धान होता है थापचीनी होती है, तो उसके चावल है। और इसमें से ना अच्छी अच्छी इसकी खुशबू भी आती है खाने में, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। देखो यार अभी ये घी डाल करके इसको भूना जा रहा है अभी इसमें, फिर इसके बाद इसमें दूध डलेगा अभी। कितना टाइम भी खाना पड़ता है इनको? लगभग लगभग 4-5 मिनट। तो अब इसमें डलेगा दूध, प्योर दूध हुआ है घर का। ये देखो यार कलर कितना अच्छा आ रहा है ना, अभी पीला पीला कलर आ रहा है घी के कारण। अब इसको ना हल्का हल्का करके हल्की आंच में रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाला जाएगा और फिर इसका टेस्ट आएगा बड़ा ही ज़बरदस्त वाला। और सब्जी के लिए ना पनीर हो गया, मटर हो गए और टमाटर भी कट गए, और इसमें लहसुन प्याज सारा इंतज़ाम हो गया कब्बू का। और अभी पांगर भी पक गए, ये देखो यार पूरे बॉयल हो गया। अब इनको ठंडा करके छील के फिर खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे। ऐसे हो रहे हैं यार ये, इतने अच्छे हो रहे हैं ना, मतलब पूरे पक गए हैं और इनको ऐसे दबाएंगे फूट जा रहे हैं। और खाने में कैसे हो रहे हैं? काजू दाँत हुए नहीं इन लोगों के ना, मम्मी के पापा के, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। मतलब इसको पहाड़ी में कहते हैं गुलत गुलत कहते हैं, कुं कुं वाला। और छिक्कल ज़्यादा हो रहे हैं इसके लिए, पूरा डोंगा भरी है छिक्कलों से। टेस्ट तो यार बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, मुलायम मुलायम होने, मतलब बिल्कुल आलू जैसा, आलू भी नहीं होता ऐसा, खरीदने भी है यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेकअप बर्थडे मेकअप। बर्थडे मेकअप